ये तो सुरेश की बेटी मेघा है। आधा किलो दाल देना। और कैसी है तू? हम ठीक है। और तेरी बड़ी बहन मेघा? वो भी ठीक है। सुरेश, उस लड़के को तो मैंने नहीं पहचाना, लेकिन तेरी बेटी मेघा को पहचान लिया। मेघा और रोहिणी दोनों जवान हो रही हैं, इस उम्र में कदम बहकते देर नहीं लगती। जरा लगाम लगा सुरेश, कहीं ऐसा ना हो कि भाग जाएं। जवान होते बच्चों के माता पिता अक्सर परेशान रहते हैं कि कहीं वो किसी गलत रास्ते पर ना चले जाएं। सुरेश अवस्थी भी अपनी बेटी मेघा के लिए काफी परेशान रहते थे, और उनकी परेशानी का कारण था उनकी बेटी मेघा की किसी अनजान लड़के से बढ़ती दोस्ती, और बहुत जल्द ये परेशानी डर में बदल गई। सुनते हो, मेघा घर पर नहीं है। घर पर नहीं है मतलब कहाँ गई वो? पता नहीं, हम तो रसोई में खाना बना रहे थे और वो दूसरे कमरे में थी। मेघा, ओ मेघा, अरे जरा ये सब्जी तो पूरी छील देती। तू सुन रही है ना? अरे तू जवाब क्यों नहीं दी? मेघा, 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 और रोहिणी वो कहाँ है? वो तो अभी अभी स्कूल से आई है। बोल रोहिणी, कहाँ है मेघा? हमें कुछ नहीं पता बाबा, दीदी ने हमें कुछ नहीं बताया था। नहीं, वो उस लड़के सोमेश के साथ तो नहीं भाग गई? वो लड़का सोमेश है, उसने हमारी बच्ची मेघा को अगवा किया है साहब। बच्ची है सिर्फ 17 साल की। सोमेश ने उसे अगवा किया है या अपनी मर्जी से उसके साथ भागी है? नहीं साहब, वो तो बच्ची है, उस कमीने ने उसको अगवा किया है। मेघा के पास मोबाइल है? जी। नंबर दीजिए। 6444 5। एक अजीब बात है, पिछले 2 हफ्तों से मेघा के फोन से कोई कॉल नहीं हुई, और उसके फोन का लास्ट लोकेशन उसका घर ही है। ये सुरेश जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। मेघा के फोन से पिछले 2 हफ्तों से कोई कॉल नहीं किया गया था, और उसके फोन की लास्ट लोकेशन थी उसका घर। क्या मेघा के गुमशुदा होने के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जो अभी तक सामने नहीं आया था? 2 हफ्ते पहले आखिर ऐसा भी क्या हुआ था? हम सच कह रहे हैं। अगर तू झूठ बोल रहा है तो समझ ले, तुझे तेरी बेटी कभी वापस नहीं मिलेगी। तेरी बेटी अपना मोबाइल फोन अपने घर पे रख के गई है। इससे साफ पता चलता है कि अपनी मर्जी से सुमेश के साथ भागी है। ये सुमेश है कौन? दो बार उस लड़के के साथ तुझे देखा गया है घूमते हुए। पहली बार तूने कहा कि कोई नहीं था, हमने मान लिया, लेकिन कल फिर तू उस लड़के के साथ दोबारा घूम रही थी। सुरेश, अपनी बिटिया को थोड़ा संभाल कर रखो। हमको नहीं लगता वो स्कूल भी जाती है। आज उसे तालाब के पास देखा है, किसी लड़के के साथ हंसे टिटोली कर रही थी। कौन है वो लड़का? बाबा, उसका नाम सुमेश है, और हम
हम उसे पसंद करते हैं। कहाँ रहता तेरा है? इन बच्चियों को लेकर अपने मायके जाती है पिरवा, वहां उस लड़के के साथ ये घूमती रहती है, पर तुझे कुछ पता ही नहीं। तुझे तो मालूम होगा ना, तू बता। नहीं बाबा, हमको कुछ नहीं मालूम, कसम से। बहुत हुआ, आज से तेरा घर से निकलना बिल्कुल बंद। ये फोन जो है ना, तेरी माँ के पास रहेगा, और इसका स्कूल भी जाना बंद। आज के बाद से तूने घर के बाहर कदम भी निकाला। इधर देख, टांगे तोड़ दी। तुमने अपनी बेटी पर इतनी पाबंदियां लगाई थी, फिर भी वो उस लड़के के साथ भाग गई। उसने उस लड़के के साथ बात तो जरूर की होगी, और उसके साथ यहां से भागने की प्लानिंग भी की होगी, वो भी अपनी माँ की कड़ी निगरानी के बीच। नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता। रोहिणी, तुम्हें कुछ पता है? भगवान की कसम साहब, हमको कुछ नहीं पता। तुम्हारा मोबाइल नंबर? मेघा और उसके पिता सुरेश के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर कॉमन है, जो कि अब बंद है। ये नंबर जरूर सोमेश का ही होगा। मतलब मेघा अपने पिता के फोन से सोमेश को फोन करती थी। सुरेश, मेघा ने तुम्हारे फोन से ही सुमेश को फोन किया था, तो ये तो हो नहीं सकता कि घर के किसी आदमी को इस बारे में पता ही ना हो। हमें सच में कुछ नहीं पता साहब। देखो, अगर तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से उसके साथ छुपती फिर रही है, तो फिर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं साहब, ये सोमेश का है, और पिछले 3 दिन से उसका कोई अता पता भी नहीं साहब। रहता कहाँ है वो? यह पासी के गांव में रहता है साहब, अकेला रहता है। उसके माँ बाप यहाँ नजदीक में एक नारजियापुर गांव है, उसमें रहते हैं। सुनिए। मालूम नहीं साहब, पिछले 2-3 दिनों से वो घर आया ही नहीं। सुरेश, मैंने तभी कहा था तुमसे, लगाम कस लो। हमें उस पर पूरा भरोसा था, अपने बाप को धोखा दिया है उसने। और रोहिणी, अगर मुझे पता चला कि तुमने उसका भागने में साथ दिया, तो छोड़ूंगा नहीं तुमको। हमको कुछ नहीं मालूम बाबा, हम सच कह रहे हैं। जी साहब, वो यहाँ नहीं है, कल ही चला गया। क्या वो मेघा नाम की किसी लड़की के साथ आया था? जी साहब। और इसी वजह से हमसे बहुत गालियां भी खा के गया साहब। पगला गया है, मत मारी गई है तेरी। कोई ऐसे लड़की को भगा के लाता है? देख, इसे जाकर इसके घर पहुंचा दे। नहीं माँ, हम मेघा से बहुत प्यार करते हैं, और अब शादी भी करेंगे तो इसी से करेंगे। देख बेटा, इसका तो दिमाग खराब हो गया।
तो अपने घर चली जा, तेरे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। हम भी सुमेश से बहुत प्यार करते हैं और हम वापस नहीं जा सकते। हमारे माँ बाबा हमें जान से मार देंगे। ठीक है, जो तुम्हारे जी में आए वो करो। हम इस शादी को नहीं मानते। भगवान के लिए अभी यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। साहब, हमें कुछ सही नहीं लगा इसलिए हमने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। हमने उसे बहुत समझाया कि उस लड़की को उसके माँ बाप के घर पहुँचा दे। अब वो कहाँ है हमें कुछ नहीं पता साहब। सर, सुमेश के माँ बाप के साथ बात हुई, वो लड़की मेघा अपनी मर्जी से ही उसके साथ भागी। अब तो मेघा को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अपनी मर्जी से भागी, ऊपर से नाबालिग। एक काम करो, इन दोनों की फोटो सर्कुलेट करो, कहीं भी जा सकते हैं, शायद दिल्ली की तरफ गए हों। सब रोहिणी शुरू से ही चुप थी, थोड़ी डरी हुई। क्या कोई ऐसा राज था जो रोहिणी के दिल में कैद था, जिसके बारे में उसने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था? हम सोमेश से बहुत प्यार करते हैं। ये क्या बोल रहे हो दीदी? अगर बाबा को पता चला कि तुम उनके फोन से रोज उससे बात करती हो तो आफत आ जाएगी। हमें पता है, लेकिन हम सोमेश के बिना नहीं रह सकते, इसलिए हम उसके साथ जा रहे हैं। साथ जा रहे मतलब? तुम उसके साथ भागना चाहती हो? पागल हो गई हो क्या दीदी? ये सब क्या सोच रही हो? अम्मा तुम पर 24 घंटे नजर गड़ाए हैं। अगर बाबा को पता भी चला कि तुम ऐसा कुछ सोच रही हो तो जान से मार डालेंगे। तुम हमारी मदद करो। कल जब तुम स्कूल के लिए निकलोगी तो अपने बैग में हमारे कुछ कपड़े रख लेना और कल स्कूल मत जाना, हाईवे के पास हमें मिलना। क्यों हमें फंसा रही हो इसमें? बाबा हमारी खाल खींच लेंगे। कुछ नहीं होगा तुझे, अगर कोई कुछ भी पूछे तो कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मेघा पूरी तैयारी के साथ सोमेश के साथ भागी थी। 2 हफ्ते गुजर चुके थे लेकिन सोमेश या मेघा की कोई खबर नहीं थी। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया।
सर, हर जगह मेघा और सोमेश के फोटो भिजवाए लेकिन दोनों का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चला। बहुत प्लानिंग के साथ भागे हैं दोनों ताकि उन तक कोई ना पहुंच सके। मुझे डर है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। बाबा जल्दी घर चलिए। क्यों, क्या हुआ? आप चलिए तो सही। तू जरा देख यहाँ पर, मैं अभी आता हूँ। मेघा, बाबा। बेटा मेघा, तू हमें छोड़ के कहाँ चली गई थी? माफ कर दीजिए बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन हुआ क्या? तो सचमुच में सोमेश के साथ भाग गई थी क्या? मेघा, उसने तेरे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना? मुझे पहले से ही शक था रोहिणी कि तुम्हें इस बारे में सब पता है। साहब, बच्ची है, माफ कर दीजिए। वो मेघा के बहकावे में आ गई थी, सब सोमेश का किया धरा है। साहब, ये मेघा, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? सोमेश ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की? आओ मेघा। आज से यही हमारी दुनिया है मेघा, अब हम यही रहेंगे। और शादी? वो भी जल्दी हो जाएगी। ठीक है। वो बार बार हमें दिलासा देता रहा कि वो हमसे शादी करेगा, पर हमें ही लगा कि वो हमसे शादी करना चाहता था। वो बस हमारे साथ नहीं सोमेश, शादी से पहले ये सब नहीं। अब हम शादी तो करने वाले हैं ना, अब हमने अपनी दुनिया बना ली और हम दिल से तुम्हें अपनी पत्नी मान चुके। पत्नी मानने में और पत्नी होने में बहुत फर्क है। पहले शादी कर लेते हैं, फिर शादी के बाद ये सब। वो हर रात हमारे करीब आने की कोशिश करता था लेकिन हमने एक बात भी नहीं सुनी। हम बार बार शादी के लिए कह रहे थे। एक दिन जब वो घर के बाहर काम ढूंढने के लिए गया था, तुम सोमेश के साथ इधर ही रहती हो? जी। शादी हुई है या ऐसे ही? शादी हुई है ना, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही है? ऐसे ही पूछ लिया। उस सोमेश की दूसरी बीवी भी तो है ना, यहाँ बगराई गांव में ही रहती है। तुम्हें सोमेश के साथ देखा तो सोचा पूछ लेती हूँ। मंजू है? हाँ। आप सोमेश की पत्नी है? हाँ। लेकिन तुम कौन? तुम्हें भी शादी के नाम पे फुसला के यहाँ लाया ना। सुनो, हमें देखकर ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमारे अलावा उसकी एक और बीवी थी, कविता। कविता ने सोमेश को छोड़ दिया, उसके बाद हमसे शादी हो गई। सोमेश ने कभी भी कविता के बारे में हमें कुछ नहीं बताया और एक दिन हमें छोड़कर चला गया और अब तुम्हें फंसा रहा है। हमने उसके लिए अपने बाबा माँ को धोखा दिया, अपनी बहन को इस्तेमाल किया और सोमेश फिर हमारे साथ खेलता रहा और फिर बिना बताए हम उसे छोड़ के चले आए। मेघा, सोमेश ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया?
नहीं बाबा, हमें इसी कोई जरूरत नहीं है। बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। गलती तो सब करते हैं, अपनी गलती का एहसास कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ले, इसे रख ले। अंत भला तो सब भला, लेकिन ये अंत नहीं था, एक नई मुसीबत की शुरुआत थी। एक ऐसी मुसीबत जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। ये लो बेटा, क्या हुआ तुझे? मेघा और रोहिणी दोनों घर नहीं लौटी। रोहिणी की सहेली ने बताया आज वो स्कूल भी नहीं गई थी। क्या, मेघा और रोहिणी दोनों गायब हैं? जी साहब, हम स्कूल भी पता करके आए। मेघा जब से वापस आई थी तो दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दिया। हमने उसका फोन भी वापस कर दिया था, लेकिन अब फोन बंद है। मेघा के साथ रोहिणी भी गायब है, दोनों का कोई पता ही नहीं चल रहा है साहब। मेघा का फोन अभी बंद है और सोमेश का भी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगातार पिछले 2 हफ्तों से मेघा सोमेश के टच में थी, और आज सुबह आखिरी कॉल भी उसने सोमेश को ही किया। ये माजरा क्या है? मेघा खुद सोमेश को छोड़कर वापस आती है और दोबारा उसी के साथ भाग जाती, और इस बार रोहिणी को भी साथ ले जाती। हाँ, वो लगातार पिछले 2 हफ्तों से सोमेश से बात कर रही थी। लेकिन साहब, वो तो सुधर गई थी, अब दोबारा से सोमेश से बात कैसे कर सकती है वो? साहब, वो तो घर में हमसे भी बात नहीं करती थी, फिर सोमेश से कैसे बात कर सकती थी? ऐसा नहीं हो सकता साहब, वो उस मक्कार आदमी के साथ दोबारा क्यों भागेगी, और फिर वो रोहिणी को अपने साथ क्यों ले जाएगी? सोमेश और मेघा दोनों के फोन की लोकेशन पता नहीं चल पा रही है, दोनों के फोन बंद हैं, और आज सुबह मेघा ने जिसे आखिरी कॉल किया था वो सोमेश ही था। साहब, मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है, मेरी बच्ची की जान कहीं किसी खतरे में ना हो। लग तो यही रहा है कि वो फिर से भाग गई, और ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बार रोहिणी को साथ लेके क्यों गई। जाने हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी। एक शादीशुदा आदमी के साथ भागने का क्या मतलब है, और फिर जाना ही था तो आई क्यों थी? पता नहीं क्यों नाक कटाने पर तुली हैं दोनों लड़कियां हमारी। धुरीबा गांव से इंस्पेक्टर जयकांत ठाकुर का फोन आया था, वहां उन्हें 2 बॉडीज मिली। वो
डेड बॉडीज दो जवान लड़कियों की है, बहुत बुरी तरह से मारा गया। साहब दोनों लड़कियां हैं, चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया है। मैंने रोहिणी और मेघा की फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दी थी, तो नीरलपुर पुलिस ने यह पता करने के लिए फोन किया था कि ये बॉडीज उनकी तो नहीं है। दोनों का चेहरा बुरी तरह कुचला गया है, पहचान पाना मुश्किल है। सर हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए रोहिणी और मेघा के माँ बाप को बुलाना। ठीक है, बुलाओ उन दोनों को। दोनों कभी नहीं आएंगे। अब हमें ये मानकर जीवन बिताना पड़ेगा कि हमारी दोनों बेटियां मर गई हैं। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। हेलो, किसका फोन था? पुलिस को दो जवान लड़कियों की लाश मिली है, मैं शिनाख्त करने के लिए बुलाया है। इन दोनों को गला दबाकर मारा गया है और इनको मरे हुए भी कम से कम 48 घंटे हो चुके हैं। बॉडी पर और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। मारने के बाद इनके चेहरे को किसी भारी चीज जैसे पत्थर से बुरी तरह से कुचला गया है ताकि इनकी पहचान न हो सके। सर इनकी हाइट बॉडी तो रोहिणी और मेघा से मिलती जुलती है। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये मेघा और रोहिणी की लाशें हैं? जी साहब। कुछ है जो इस बात की पुष्टि कर सके? साहब हम अपनी बच्चियों को पहचान सकते हैं। हाँ साहब, ये हमारी रोहिणी और मेघा ही है। हाँ सर, ये लाशें रोहिणी और मेघा की लग रही है। इस केस में सब कुछ बहुत अजीब है। पहले मेघा सोमेश के साथ भागी जिसमें रोहिणी ने उसकी मदद की, और फिर मेघा खुद ये जानने के बाद वापस आ गई कि सोमेश की तो पहले से दो शादियां हो चुकी हैं। बाबा। लेकिन वो दोबारा सोमेश के साथ भागी और इस बार रोहिणी को भी अपने साथ ले गई, और अब इन दोनों की लाशें। सोलंकी, हमारे पास एक ही सस्पेक्ट है, सोमेश। पर सोमेश भी ऐसा क्यों करे? ये माना जा रहा था कि इन दोनों हत्याओं के पीछे सोमेश का ही हाथ है, लेकिन सवाल यह था कि आखिर सोमेश ऐसा क्यों करेगा? वो मारने के बाद दोनों लड़कियों के चेहरे को इतनी बुरी तरह से क्यों बिगाड़ देगा? क्या कुछ और भी था इस केस में जो अभी तक सामने नहीं आ पाया था? साहब हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम। उस बार सोमेश जो मेघा को लेके आया था उसके बाद ना तो कभी उसने अपनी शक्ल दिखाई ना तो कभी फोन किया। साहब हमें शक है कि ये हत्याएं तुम्हारे बेटे ने की हैं। अब तुम लोगों के फोन टैप किए जाएंगे, और अगर हमें पता चला कि तुमने हमसे झूठ बोला है तो तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पता नहीं साहब कहाँ है, क्या कर रहा है, पर साहब अगर आपको मिल जाए ना तो हमें मत बताना। हमारा उससे अब कोई लेना देना नहीं। बहुत पहले छोड़कर गया था हमें, उसके बाद एक बार भी पलट कर नहीं मिला। पता नहीं कहाँ है।
अपने इलाके के सारे खबरी लगा दो, जरूरत पड़े तो आसपास के इलाकों के भी। दो लड़कियों को मारकर ये सुमेश भागकर जाएगा कहाँ? इस सोमेश की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, चार दिन हो गए कुछ पता नहीं चला। हो सकता है वो हमें कभी मिले ही ना। ये सिर्फ मेघा और रोहिणी के मर्डर्स का मामला नहीं लगता, ट्रिपल मर्डर भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? वही जिसे मेघा, रोहिणी और सोमेश पर सबसे ज्यादा गुस्सा था। सुरेश के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए लेकिन शक करने लायक कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है उसने इतनी चालाकी से किया हो कि किसी को कुछ पता ही ना चले। क्या हुआ साहब, कुछ पता चला क्या? हमारे साथ चलो, शायद सब पता चल जाए। ये पुलिस इसे क्यों पकड़ के ले गई? इसने मारा क्या अपनी बेटियों को? नहीं विजय भैया, और होगा भी तो हमको नहीं मालूम। ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम अपनी बच्चियों को खुद मार देंगे? तुमने अपनी बेटियों को खुद ही खोज लिया था। गुस्सा तो तुम्हारे अंदर था ही, क्योंकि तुम्हारी बेटियों ने तुम्हें एक बार नहीं दो बार धोखा दिया था। इसलिए इसी गुस्से और नफरत में तुमने अपनी बेटियों को मार के फेंक दिया, और कोई उनकी लाशों को पहचान ना पाए इस तरह से उनका चेहरा कुचल दिया। और जब हमें लाशें मिली तो तुमने उन्हें पहचान भी लिया। सुरेश, अब इतना बता दो, सुमेश को मार के कहां फेंका है? साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक तुम ही ऐसे आदमी हो जिसके पास ये हत्याएं करने की वजह है। आज तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत है नहीं, लेकिन जिस दिन सबूत मिल गया ना, उस दिन तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। एक तो पहले से ही गांव वाले हम पर थूक रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को संभाल नहीं पाए, और अब पुलिस वाले भी हम पर शक कर रहे हैं कि हमने खुद अपनी बच्ची की जान ली और उस सोमेश की। सोमेश का कहीं कोई पता नहीं था, और अब इस बात की भी आशंका जताई जा रही थी कि शायद ये ऑनर किलिंग का मामला हो और मेघा और रोहिणी के घर वालों ने ही उनकी हत्या की हो। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग गई, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन से कहीं दूर इस केस के बारे में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। कोई भी न्यूज हो बस मसालेदार होनी चाहिए, कम से कम दिन में चार बार उछालने के काम तो आए। अब मसालेदार है या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन तकरीबन एक हफ्ते पहले यहाँ दो बहनों का मर्डर हुआ है। दोनों बहनें घर से भागी हुई थी। पहले लग रहा था कि शायद किसी लड़के के साथ भागी है और उसी लड़के ने इन दोनों को मार कर फेंक दिया है। हालांकि पुलिस ने इस लड़के को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर अब जब लड़का नहीं मिल रहा है तो पुलिस को लग रहा है कि ये ऑनर किलिंग्स हैं जो कि खुद लड़की के बाप ने की हैं। इंटरेस्टिंग यार, ऑनर किलिंग की कहानियां तो लोग बहुत देखते हैं। सकर भेज दे। ठीक है, तो मैं तुम्हें प्रिंट आर्टिकल्स और फोटोग्राफ्स दोनों भेज रहा हूँ, और अगर बाइट्स मिलते हैं तो बाइट्स भी भेज देता हूँ। चल ठीक है, जल्दी करना है ना। ओके ओके, डोंट वरी। तू रेडी नहीं हुआ अभी तक? तेरा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। बस दो मिनट यार, बस ये पेपर से लूँ कुछ। दो मिनट रुक। मनीष यार दो मिनट रुक, कुछ प्रिंट आउट लेने।
कोई न्यूज आर्टिकल है क्या? दो बहने हैं, मर्डर हुआ है। राकेश हाँ। वो फोटो फिर से दिखाना। क्यों? दिखा तो। क्या हुआ? एक काम कर, इसको भी न्यूज़ में मत डाल। लेकिन क्यों? मुझे लगता है इस केस में मैं तुझे और कुछ लीड्स दे सकता हूँ। कैसी लीड्स? कल सुबह तक रुक, मैं तुझे कुछ फुटेज ला कर देता हूँ। बहुत ही सनसनी केस है। चल। जूनियर रिपोर्टर मनीष के हाथ दिल्ली में ऐसा क्या लगा था जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया? मनीष को जो मिला है उसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे, पुलिस के भी। ऐसा क्या मिल गया मनीष को? मनीष उस दिन यहीं पास वाले मोहल्ले में गया था। वो दोनों लड़कियां जिंदा हैं। मेघा और रोहिणी जिंदा हैं? और वो भी दिल्ली में? हाँ, और वो वहां दो लड़कों के साथ रह रही हैं। आधा किलो दाल देना। और कैसी है तू? हम ठीक है। और तेरी बड़ी बहन मेघा? वो भी ठीक है। तुम एक काम करो, वो फुटेज मुझे जल्दी से भेज दो, मैं अभी कभी पुलिस को दिखाता हूँ। अगर ये वो दो लड़कियां नहीं है, इसका मतलब कोई और दो लड़कियों का मर्डर हुआ है। मैं तुरंत से कन्वर्ट करके तुझे फुटेज मेल करता हूं। दो डेड बॉडीज की लड़कियों की सोलंकी टीम रेडी करो। साहब, अब हमारी बेटियां कहाँ हैं? हमारी पूछताछ के बाद उनसे मिल सकते हो। लेकिन साहब, पुलिस क्या सोच रही थी और ये केस क्या निकला? दो लड़कियां अपनी मर्जी से दो लड़कों के साथ भाग गईं और पुलिस और घर वालों से बचने के लिए दो लड़कियों का कत्ल कर दिया गया। ये पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था, तो क्या इस बार भी ऐसा ही हुआ था? नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब। तो फिर वो लाशें किसकी थी जो हमें मिली? हम नहीं जानते साहब, लेकिन हमने किसी का खून नहीं किया साहब। हम तो बस यहाँ से भाग के दिल्ली गए थे और इतने दिन से वहीं रह रहे थे साहब। और तुम कौन हो?
जी हम तो रोहिणी के दोस्त हैं, गांव में ये किराने की दुकान में नौकरी करते थे साहब। हम तो इन लोगों के साथ इसलिए गए थे कहीं सुमेश इन दोनों को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। ये सब क्या है मेघा, तुम तो वापस आ गई थी ना? आ गए थे और बहुत खुश भी थे, फिर बाबा ने हमें हमारा फोन दे दिया वापस। ले इसे रख ले। उन दिनों सुमेश हमें लगातार फोन करता था। हमें माफ कर दो कि हमने तुम्हें अपनी शादी के बारे में नहीं बताया, लेकिन मेघा हमारी शादी हमारी मर्जी के खिलाफ हुई थी। हमारे माँ बाबू जी ने जबरदस्ती हमारी शादी कराई थी। ठीक है, मान लेते कि पहली शादी जबरदस्ती से हुई, लेकिन दूसरी? मेघा वो हमारी गलती थी। ये तो तुम हमारे लिए भी कहोगे ना? नहीं मेघा ऐसा मत कहो, हमारी बात पे यकीन करो मेघा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते मेघा, हमारे पास वापस आ जाओ। हमारे माँ बाबा ने हमारे ऊपर बहुत विश्वास किया था, लेकिन चाहते हुए भी हम खुद को रोक नहीं पाए। तुम पागल हो गई हो क्या दीदी? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया वो लड़का तुमसे प्यार व्यार नहीं करता। हमारा दिल जानता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। अगर पिछली बार की तरह तुमने इस बार भी भागने की कोशिश की तो बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं, लेकिन हम भी सुमेश को ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम जानते थे कि दीदी नहीं मानेगी और इस बार उनके भागने पर बाबा हमारी खाल खींच लेते, इसलिए हमने हमारे दोस्त शिवम से बात की। तुझे अपनी चिंता हो रही है, जरा ये तो सोच अगर सुमेश ने मेघा को दोबारा धोखा दे दिया तो मेघा तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी ना। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तू एक काम कर, तू भी जा उन लोगों के साथ और हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। अगर हमें लगा कि सुमेश मेघा को दोबारा धोखा दे रहा है तो फिर हम मेघा को लेकर वापस आएंगे। हम रोहिणी के साथ घर से भागे और रास्ते में हमें शिवम मिल गया। साहब हम मेघा से बहुत प्यार करते हैं साहब, और इसीलिए हम उससे शादी करके दिल्ली में बस गए थे साहब। साहब हम सच में नहीं जानते साहब कि जिन दो लड़कियों का खून हुआ वो कौन थी। माँ बाबा हमें माफ कर दीजिए, हम सुमेश को भूल नहीं पाए। हम जानते हैं हमने आपको दोबारा धोखा दिया है, रोहिणी भी सब में फंस गई है हमारी वजह से। इसकी कोई गलती नहीं है, सब हमारी गलती है, हमें माफ कर दीजिए बाबा। बाबा एक बार हमें माफ कर दीजिए बाबा, बाबा हमारी तरफ देखिए तो। उन लड़कियों के कत्ल के मामले में इन चारों पर शक करने की हमारे पास पूरी वजह है, लेकिन ये चारों दिल्ली में खुलेआम रह रहे थे, क्रिमिनल्स की तरह छुप कर नहीं। मुझे लगता है सच बोल रहा है, पर अगर इन चारों ने उन लड़कियों को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? सर रोहिणी और मेघा दोनों लापता थे, उनका बाप सुरेश भी लाशों को पहचानने में धोखा खा गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं और भी दो लड़कियां मिसिंग हों और हम रोहिणी और मेघा में उलझ के रह गए हों? आसपास के पुलिस स्टेशन में जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट्स हैं सबकी जांच करो, ये डबल मर्डर केस है। लड़कियों का अंतिम संस्कार भी हो चुका है और हमारे पास कोई भी लीड नहीं। ये दोनों लड़कियां कौन थीं और इनके कत्ल के पीछे क्या राज था? अब ये एक नया केस बन चुका था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। पुलिस ने फिर से मिसिंग लोगों की फाइल्स छान मारी, तो क्या पुलिस को कभी पता चल पाया कि आखिर ये दोनों लड़कियां कौन थी? सर हमने आसपास के सारे पुलिस स्टेशन की सारी मिसिंग कंप्लेंट्स देख ली, उन लड़कियों से मिलती जुलती कोई लड़की नहीं मिली। लाशों की शक्ल पूरी तरह बिगाड़ दी गई थी, इसलिए ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है। जिसने भी उन्हें मारा वो नहीं चाहता था कि किसी तरह से उनकी शिनाख्त। खैर अपने खबरियों का नेटवर्क एक्टिव कर दो, हमें चांस तो लेना ही होगा। साहब ये खिसपुर गांव में दो लड़कियां बहुत दिन से दिखी नहीं है। कौन? एक आरती है 20 साल की और दूसरी उसकी छोटी बहन है पूजा 18 साल की। उन दोनों की माँ का नाम राधा है और पिता का नाम है रविंदर द्विवेदी। जरा जोर लगाइए साहब, यहाँ मामला कुछ गड़बड़ है। जी हम आपसे आपकी बेटियों के बारे में कुछ पूछने आए हैं, पूजा और आरती कहाँ हैं दोनों? वो दोनों मुंबई में हैं साहब। हमें पूजा और आरती दोनों की फोटो चाहिए।
पर आप उन्हें कहाँ ढूंढ रहे हैं? ऐसे ही उनके बारे में पता करना चाहते हैं कि दोनों हैं कहाँ। जी सर, माँ काफी परेशान नजर आ रही थी। मुंबई में क्या करती हैं ये दोनों? इन दोनों ने शादी कर ली सर। और इनके पति वो क्या करते हैं? हमें नहीं पता साहब, दोनों घर से भाग गए थे। क्या करा रहे? आज चला जल्दी। साहब वो रहा उन दोनों लड़कियों का बाप। वो दोनों छोटी जाति के लड़कों के साथ भागी थी साहब, लेकिन सच तो ये है कि दो हफ्ते पहले वापस भी आ गई थी। किसी ठीक है ना बाबा? माँ का दिल तो माँ जैसा ही होता है साहब, लेकिन बाप का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो दोनों वापस क्यों आई ये कोई नहीं जानता साहब। किन दो लड़कों के साथ भागी थी वो? रितेश और उसका चचेरा भाई मयूर। मैं आपके लिए उनका पता ढूंढ दूंगा। सिर्फ उनका पता नहीं, मुझे वो दोनों भी चाहिए। हमारा नाम रितेश है। हमारी पूजा से शादी जरूर हुई थी, लेकिन वो हमारे साथ नहीं। हमारा नाम मयूर है साहब। हमारी भी आरती से शादी हुई थी, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। हमें पिछले दो हफ्तों से उन दोनों के बारे में कोई खबर नहीं साहब। उनका कोई फ़ोन नहीं आया तो हमारी भी हिम्मत नहीं हुई कि उनके घर जाके देखें। हम लोग काफ़ी डरे हुए थे साहब। अगर उन दोनों ने तुम्हारे साथ भाग के शादी कर ही ली थी तो फिर वो वापस क्यों आई? साहब उनके बाबा रविंदर को हमारे बारे में सब पता चल गया था और उन्होंने आरती को फ़ोन किया था। पापा हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। मयूर से बहुत प्यार करती हूँ और पूजा रितेश से। ये क्या पागलपन है आरती? तुम दोनों हमारी मुंह पर कालिक पोत कर चली गई। एक बार भी अपनी माँ और बाबा का ख्याल नहीं आया मन में? पापा हमें आप दोनों का बहुत ख्याल आया, लेकिन अगर हम आपको सच बताते तो क्या आप हमारी शादी के लिए कभी राजी होते? देखो जब तक शादी में बड़ों का आशीर्वाद ना हो वो शादी नहीं होती। अगर हम वहाँ शादी करते तो क्या आप हमें आशीर्वाद देते? देखो बेटा, हम और तुम्हारी माँ तुम दोनों को बहुत याद करते हैं। बस तुम दोनों वापस आ जाओ, हम आपसे वादा करते हैं कि रितेश और मयूर के साथ तुम दोनों की शादी करवाएंगे, हम करवाएंगे, वादा करते हैं। तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है बेटा, दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तुम दोनों को याद करके रोती रहती है। हमारे लिए नहीं लेकिन अपनी माँ के लिए तो वापस आ जाओ। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? आज पापा का फोन आया था, हमारी शादी के लिए मान गए। ये उनकी कोई चाल भी तो हो सकती है। ऐसा नहीं लगता कि से बात करके लगा कि माँ और बाबा हम लोगों को बहुत याद करते हैं। और बाबा ये भी बता रहे थे कि माँ बहुत बीमार है, हमें जाना होगा। अगर हम चारों वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके पता चला कि ये उनकी कोई चाल थी तो? एक काम करते हैं पूजा और आरती, पहले सिर्फ तुम दोनों वहाँ जाओ और उन्होंने जैसा कहा है अगर वैसा नहीं होगा तो तुम दोनों भाग के वापस यहाँ आ जाना। नहीं नहीं ऐसी नौबत नहीं आएगी। देखना पापा खुशी खुशी तुम लोगों को बुलाएंगे और हम लोगों की शादी फिर से करवाएंगे। लेकिन फिर भी अगर वहाँ जाके कोई भी गड़बड़ होती है तो हमें एक बार कॉल कर देना। ये तुम्हारी दोनों बेटियाँ पूजा और आरती है? जी नहीं, ये हमारी बेटियाँ नहीं है। तुम्हारी दोनों बेटियाँ लापता है ना, तो तुमने पुलिस में उनकी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई? क्यों? वो दोनों हमारी नाक कटाकर भाग गई, वो भी छोटी जाति के लड़कों के साथ। वो दोनों वापस भी तो आ गई थी? नहीं, वो कभी वापस नहीं आई। आपकी बेटियाँ वापस आ गई थी ना? जी नहीं आई थी। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। पूजा और आरती मर चुकी हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह से पता है। हमारे लिए तो उसी दिन मर गई थी।
जिस दिन वो उन छोटी जाति के लड़कों के साथ भाग गई थी। इसमें कौन सी नई बात बता रहे आप? नई बात यह है कि तुमने खुद अपनी बेटियों का खून किया है। हमने किसी का खून नहीं किया। पूजा और आरती आपकी बेटियां थी ना, वो घर छोड़ के गई, आपको धक्का तो जरूर लगा होगा, पर कम से कम वो जिंदा तो थी। उन्हें ये झूठ बोलकर वापस बुलाया गया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर उन्हें मार दिया गया। और सिर्फ मारकर नहीं छोड़ा, उनका चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया किसी भारी चीज से। आपकी बेटियां जिन्हें आपने अपनी कोख से जन्म दिया है, उन्हें किसी दरिंदे ने बुरी तरह से मारकर फेंक दिया। देखिए, ये कहानियां सुनाकर अब आपका और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। आपके सामने ही मारा था ना उन्हें, या फिर मारने के बाद आपको बताया गया कि वो मर चुकी है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा या मर गई। कहा ना, हमारे लिए वो पहले ही मर चुकी थी। बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो वो पहले से ही मर चुकी थी, इसीलिए तुमने शादी का झूठा वादा देकर उन्हें वापस बुलाया और फिर सच में मार दिया। आप लोग यहां से चले जाइए, उन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं था, ना ही रहेगा, और उन दोनों के बारे में हमें और कुछ भी नहीं जानना है। लेकिन हमें जानना है उनके हत्यारे के बारे में, जिसे पूजा और आरती की मां अच्छी तरह से जानती है। बाबा, हम उनसे प्यार करते हैं। चुप! कैसा प्यार? कैसा प्यार? ऐसे प्यार को हम नहीं मानते। ये छोटी जात वाले हैं जिनके हमारे सामने खड़े होने की औकात नहीं, तुम दोनों उन्हें हमारा दामाद बनाकर हमारे सर पर बिठाना चाहती हो? लेकिन बाबा, हमने मयूर और रितेश से शादी की है, हम उनकी पत्नियां हैं। आप हमें जबरदस्ती बुला तो सकते हैं, लेकिन हमें वापस जाने से नहीं रोक सकते। हम लोग वापस जा रहे हैं, चल। इस बार हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुम दोनों को इतनी दूर भेज देंगे, वापस आकर हमारे खानदान के चेहरे पर कालिक न पोत सको। दोनों हमारी माथे का कलंक है, बेटियां कहलाने के लायक नहीं है दोनों। जिंदा रह के हमारी और थू थू करवाए, इससे अच्छा है कि ये मर जाए। चलो, इनकी लाशों को ठिकाने लगा देते हैं। उठाओ। इन्होंने हमारे सामने हमारे बच्चियों को मार डाला सर। हम अपने आंखों से देखते रहे, वो रोती रहे, वो चिल्लाते रहे, हम कुछ नहीं कर पाए। ये हमारे आरती सा, ये पूजा, कौन कहेगा ये हमारी वही भूल जैसे बच्चा है साहब। इसने इन दोनों को मारने के बाद इनका चेहरा तक कुचल दिया साहब, अपनी झूठी शान के खातिर हमारा गांव कुचल के रख दिया इसने। क्या बात, कूनी है साहब, ये कूनी है, मार डालो इसको, मार डालो, उनके साथ उन सबको मार डालो जो अपनी झूठी शान और झूठे इज्जत के खातिर मासूमों का खून बहाते हैं। मार डालो साहब, मार डालो। हमें भूल से बच्चों की गलती क्या थी साहब, प्यार किया था ना। अगर प्यार करना गलती है, अगर प्यार करना गुनाह है, तो इन जैसे लोग जो नफरत फैलाते हैं, उनका क्या, उनका क्या? बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमें पता है हम गलत हैं, पर हम सुमेश से बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ ये केस हम वापस ले लें। हम अपनी मर्जी से भागे थे। और बाबा, शिवम सिर्फ हमारा दोस्त है, हमारे बीच इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और वो हमारे साथ गया भी इसलिए था ताकि मेघा दीदी और हमारा ख्याल रख सके। मान जाइए ना बाबा।
रविंद्र द्विवेदी और उसके साथियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत उसकी बेटी आरती और पूजा के कत्ल के लिए बुक किया गया है। मेघा और रोहिणी के माता पिता पर भी उन दोनों लाशों को मेघा और रोहिणी की लाश बताकर पुलिस को गुमराह करने के चार्जेस लगाए गए थे, लेकिन बाद में उन चार्जेस को खारिज कर दिया गया। मेघा और रोहिणी दोनों ही नाबालिग थी, इसलिए सोमेश और शिवम पर नाबालिग लड़कियों को अगवा करने के आरोप लगाए गए। फिलहाल दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं। पुलिस को पहले से ही मालूम था कि यह ऑनर किलिंग का मामला है और उनका शक सही साबित हुआ। अंतर सिर्फ इतना था कि सुरेश अवस्थी ने अपनी बेटियों मेघा और रोहिणी को नहीं मारा था, बल्कि रविंद्र द्विवेदी ने अपनी बेटियों पूजा और आरती का कत्ल किया था। गुनहगार सिर्फ गुनहगार होता है, भले ही वो गुनाह इज्जत के नाम पर ही क्यों ना किया जाए। जब समाज से जुड़ी कुरीतियों, अंधविश्वास और परंपरा के नाम पर कुछ गलत होता है तो उसमें गर्व करने जैसा कुछ नहीं होता। जाति, धर्म और समुदाय के नाम पर की जाने वाली हिंसा ये नहीं दर्शाती कि हिंसा करने वाला कितना इज्जतदार है, बल्कि ये दर्शाती है कि उस इंसान की मानसिकता कितनी खोखली है। बड़े शर्म की बात है कि आज के दौर में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो इस तरह की कुरीतियों को बढ़ावा देते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।